अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो क्या चाल है आप सबको, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोगों के पास ओप्पो A12e मोबाइल है या आप लोग लेने का सोच रहे हैं, तो इससे पहले ये देख लें कि इस मोबाइल में कौन सी सेंसिटिविटी रखेंगे तो आपके फ्री फायर में बहुत अच्छी तरह से हेडशॉट लगेंगे, या ये मोबाइल एक गेमिंग मोबाइल है भी या नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको यही सब कुछ बताने वाला हूँ, और अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली ये मोबाइल स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि दोस्तों मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है, एवरेज प्रोसेसर है। तो दोस्तों, फ्री फायर को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करता है। इसके साथ दोस्तों 3 GB रैम का और 64 GB स्टोरेज का कम्बिनेशन है, जो कि एक सॉलिड कम्बिनेशन है। तो इसके बाद दोस्तों, मैं आपको सेंसिटिविटी के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने अपनी गेम में आ जाना है। गेम में आने के बाद दोस्तों, आपने सेंसिटिविटी वाले ऑप्शन में आ जाना है। सेंसिटिविटी वाले ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों, आपने रेड डॉट को ओनली 90 रखना है। इसके अलावा किसी सेटिंग को नहीं छेड़ना दोस्तों। स्नाइपर स्कोप को आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, सपोर्ट मुझे लाजमी करें।